यदि आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित हैं तो इससे अच्छा उपचार आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। आपको यदि स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल रीजन में आपको दर्द रहता है, उसके कारण कंधों तक भी दर्द जाता है, अपनी गर्दन को ऊपर नीचे करने में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, अकड़ रहती है बहुत ज्यादा, ठीक है, सिर में भी दर्द जाता है, कई बार आंखों तक भी ये समस्या जाती है, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपको यदि है, यदि गर्दन में आपको स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, तो इससे अच्छा उपचार और कुछ नहीं हो सकता। मैं सीधे उपचार पर आऊंगा, आप उपचार को ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, केवल दो तीन प्रकार की दवाइयां हैं, लगाने के लिए लेप है, सबसे पहले एक्सरसाइज बता दूं और आपको नियम परहेज बता दूं। तो जो भी व्यक्ति सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित है, उस व्यक्ति को मिर्च मसाला, खटाई, ज्यादा तेल की चीजें, मटर, बैगन, सहमी भिंडी आदि सेवन नहीं करना चाहिए, मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, नमक कम मात्रा में खाना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, नरम मुलायम गद्दे पर आपको नहीं लेटना है, ठीक है, ज्यादा ऊंचा तकिया आपको नहीं रखना या तकिया रखना ही नहीं आपको, ठीक है, मतलब आपको कड़े तख्त पर यानी कि लकड़ी के तख्त पर लेटना है या जमीन पर लेटना है, या हो सके तो एक दरी या एक चटाई बिछाकर उस पर लेट जाइए, ज्यादा मोटे सहूलियतदार गद्दे पर नहीं लेटना है, ठीक है, इससे दर्द और भी बढ़ेगा और रोग ठीक नहीं हो पाएगा। और तीसरी चीज, गर्दन को जो है झुकाए रहने का कार्य बिल्कुल मत करिए हो सके तो, पर यदि अब करना ही पड़ता है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो यदि गर्दन को एक घंटे नीचे झुकाना होता है, पढ़ाई करने वाले व्यक्तियों को या कंप्यूटर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को जिनकी आवश्यकता है, वो करना ही है उनको, तो यदि एक घंटे झुकाए रहते हैं तो फिर 10 मिनट के लिए इस तरीके से आकाश की तरफ अपने सिर को करके ऊपर रखिए, उसके बाद फिर आप एक घंटे के लिए वो चीज करके फिर 10 मिनट इस तरीके से कर लीजिए। इससे होगा ये कि यहाँ पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, जो कशेरुकाएं हैं, जो आपका जो स्पॉन्डिलाइटिस है और जो वर्टिब्राज हैं, जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड के वर्टिब्राज हैं, वहां पर आपको वहां के वर्टिब्राज में घर्षण नहीं होगा और आपका दर्द नहीं बढ़ेगा, ठीक। अब ये चीजें आपने ध्यान रख ली, इसके बाद आप विशेष ध्यान इस चीज का रखिएगा कि खान पीन बिल्कुल हल्का लेना है। अब 2 गोली सिंहनाद गुप्तगुल और 2 गोली लाक्षादी गुप्तगुल, 2 गोली सिंहनाद गुप्तगुल, 2 गोली लाक्षादी गुप्तगुल, 2 गोली सोथारी लो या 250 mg सोथारी लो, ये एक खुराक सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद 1 कप गुनगुने पानी में 4 चम्मच महारासनादी क्वाथ मिलाकर सेवन करिए सुबह शाम। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। रात में सोने के पहले आपको 1/2 चम्मच अरंड तेल यानी कैस्टर ऑयल 1 कप गुनगुने पानी में या 1 कप गुनगुने दूध में मिलाकर पी लेना है। सुबह पेट अच्छे से साफ होगा, पहले दूसरे तीसरे दिन थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, 1-2 दस्त लग सकते हैं, लग जाने दीजिए, उससे आपका जो विकार है वो निकलेगा, जो आम दोष है, जो कच्चा रस है शरीर में संचित हो रहा है वो निकल जाता है, इससे और भी आराम मिलता है, उसके बाद नॉर्मल लैट्रिन आने लगती है, ठीक है, ये कर लिया। अब आपको वहां पर क्या लगाना है और कैसे सिकाई करनी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक गमछा या एक कपड़ा ले लीजिए, उसमें आपको 5-10 ग्राम लेना है दशांग लेप, ठीक है। सारी दवाइयों की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप अमेजोन से बुलवा सकते हो बड़े आसानी से, या फिर दवा की दुकान से भी ले सकते हो। तो 5-10 ग्राम आपको दशांग लेप लेना है और उसमें 10 ग्राम हल्दी मिलानी है, 5 ग्राम सेंधा नमक मिलाना है और लगभग 20 ml महाविषगर्भ तेल उसमें डालना है, ठीक, और थोड़ा सा पानी डाल लेना है, तो वो एक लेप बन जाएगा। अब जिस कपड़े पर आपने इसको रखा था उसकी पोटली बना लेनी है, उसको इस तरीके से मड़ोड़कर उसकी पोटली बना लेनी है और उसको तवे पर गर्म कर लेना है। इतना गर्म करना है कि चमड़ी पर यदि आप लगाते हो तो व्यक्ति जले ना, ठीक, वो सहूलियत के साथ उस सिकाई को सहन कर सके। तो व्यक्ति को 15-20 मिनट गर्दन में, यहां से गर्दन के बीच के पॉइंट से, रीढ़ की हड्डी से स्टार्ट करके उसके थोड़े नीचे तक, यहां कंधे तक, यहां तक थोड़ी ऊपर तक, और गर्दन के इस बीच के हिस्से पे ज्यादा आपको सिकाई करनी है, 15-20 मिनट सुबह शाम सिकाई करनी है, ठीक। अब इसके सिकाई करने के 10 मिनट बाद गुनगुने पानी या गर्म पानी में निचोड़े हुए कपड़े को
गर्दन पे रख देना है और व्यक्ति से कह देना कि इस तरीके से 5 मिनट अपना सिर ऐसे करके बैठ जाए, ठीक इतना कर लेना है। ये कर लिया, पर्याप्त चिकित्सा क्रम हो गया, इससे व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है और उसको कोई दिक्कत कभी नहीं होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पूरी तरह ठीक हो जाता है दोस्तों। और सिकाई करने से क्या होता है, देखिए आधुनिक चिकित्सक जो एलोपैथी वाला है वो तो सिकाई को मानता नहीं, कहता कुछ नहीं होता उससे, पर मेरे हिसाब से सिकाई करने से ये होता है कि एक तो स्नेह जो तेल है वो अंदर की तरफ प्रवेश करता है, तो जो दो वर्टेब्राज के बीच में घर्षण हो रहा है वो ना होके बीच में स्नेह आ जाने से वहां पर घर्षण नहीं होता, तो जो नसें हैं और दूसरी आर्टरीज और दूसरी वीन्स वगैरह हैं वो नहीं दबती तो दर्द नहीं होता और वहां पे इंफ्लेमेटस ग्रोथ नहीं होती या इडिमेटस ग्रोथ नहीं होती, यानी कि सूजन नहीं आती। और दूसरी चीज ये कि वहां पर सिकाई करने पर ऊष्मा के कारण दर्द में बहुत राहत मिलती है, ठीक। तो दोस्तों इसका प्रयोग कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पूरी तरह ठीक हो सके कुछ ही महीनों में। यदि बहुत लंबा रोग है तो थोड़ी लंबे समय तक प्रयोग करना पड़ेगा, यदि अभी अभी हुआ है 5-6 महीना हुआ है 8 महीना हुआ है तो 3-4 महीने पर्याप्त है पूरी तरह रोग को खत्म करने के लिए। कुछ ही महीनों में रोग पूरी तरह ठीक हो जाता है, साथ ही साथ शरीर में ताकत बहुत बढ़ जाती है, हड्डियां मजबूत हो जाती है, क्योंकि आप लाक्षादी गुड़गुल का सेवन करते हो उससे हड्डियां बहुत मजबूत होती है और पेट अच्छे से साफ होता है, साथ में शरीर में ताकत बहुत अच्छी आने लगती है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज आपको क्या करना है, आपको 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज गले को धीरे से ऊपर की तरफ ले जाना है, ठीक। तो धीरे से इस तरफ ले जाना है, तो धीरे से इस तरफ ले जाना है, धीरे से पीछे की तरफ ले जाना है और धीरे से फिर इस तरीके से घुमाते हुए गले को ऐसे और फिर इस तरीके से घुमाते हुए गले को ऐसे और फिर ऊपर फिर ऐसे इस तरीके से 15 से 20 मिनट सुबह शाम एक्सरसाइज करनी है मालिश के बाद, इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए व्हाट्सएप ट्विटर इंस्टाग्राम लिंक्डइन फेसबुक फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्कल में ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पूरी तरह ठीक हो सके। और कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लगा और किन टॉपिक से वीडियो बनाना चाहिए, तथा यदि वीडियो पसंद आता तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, घंटी का निशान जरूर दबा दीजिए ऐसे ही नुस्खे पाने के लिए। और यदि आप मुझसे दवाइयां बुलवाना चाहते हैं या पर्चा लिखवाना चाहते हैं अपने बजट के अंदर, तो ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर अपनी सारी समस्या लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैसेज करूंगा आपका कॉल देन कॉल मी, तब मैं बताऊंगा कितने माह दवा चलानी, एक माह की दवा कीमत क्या होगी, बाकी मत एडवांस पेमेंट करके आप मुझसे दवा बुलवा सकते हैं, अपने बजट के अंदर 500 रुपए प्रिस्क्रिप्शन फीस जमा करके आप मुझसे पर्चा लिखवा सकते हैं। तो दोस्तों आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इतना कीमती समय दिया, उसके लिए कोटिशः धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।